आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि ट्रांसक्रिप्ट्स होती क्या है और इससे फायदा क्या होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो पहले तो समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट होती क्या है। आज की डेट में जितने भी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद कुछ अच्छी कंपनीज अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स करती हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और मैनेजमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस होता है जहां पे कोई डायरेक्ट आंसर अगर मैनेजमेंट कंपनी की दे रही है उसका सबसे पहले आपको आंसर मिल जाएगा, जिससे कि आपकी फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी को लेके अगले दिन ही चेंज हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लिंक कंपनी का जो कि पेंस बनाती है और इंडिया के अंदर इस कंपनी ने अपनी स्ट्रक्चरल चेंज करके पूरी की पूरी फंडामेंटल पिक्चर चेंज कर दी है अपनी कंपनी की। जैसे कि कंपनी ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली जिससे आपको एक ओवरऑल इंडस्ट्री का सिनेरियो पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी का ग्रोथ रेट कहाँ तक जा सकता है अगले कुछ सालों में। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको वो इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये बोला कि उसके अंदर उन्होंने जो एक्सपेंशन प्लान बनाए हैं 50 करोड़ के और 15 करोड़ के फेजेस के अंदर, उसके अंदर तकरीबन उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पेंस की वो डबल हो जाएगी पर डे की कैपेसिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट 2025 तक अगर अपनी टॉप लाइन की बात कर रही है कि उनकी 750 करोड़ की टॉप लाइन हो जाएगी, एबिट्डा मार्जिन 15% के ऊपर के हो जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी की 21% की हो जाएगी, तो उन चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें कंपनी करेगी कैसे। तो उसके ऊपर कंपनी ने ये बोला कि सबसे पहले तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने पे लगे हुए हैं, जो कि गुजरात में उनका प्लांट है उसके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी भी इंक्रीज हो सकती है। सेकंड बात कंपनी ने ये बोली है कि उन्होंने जो अपना टारगेट 2025 का दिया है इससे ये पता चलेगा कि कंपनी सपोज एक्स रेवेन्यू आज की डेट में कमा रही है तो उनका 1 से 2 साल में आउटलुक क्या है कंपनी को लेके। ये बात भी पक्का पता चल गई कि कंपनी ग्रोथ एक्सपेंशन दिखा रही है और 25% के CAGR से ग्रोथ करने की बात कर रही है। जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अपना 6-7% पे ग्रो हो रही है वहाँ पे आपको ऐसी कंपनीज अगर मिल जाए जो कि 20-25% से ग्रो हो रही हैं वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि वही एक केस ऐसा होता है जहाँ पे आपकी आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश बन सकती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि इंडिया की जितनी भी मार्केट है पेंस को लेके स्पेशली, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में कैटेगरी में आता है जहाँ पे कंपनी की सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी इंडिया के रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे उनके ओनर के साथ बात करके उनको कन्विंस करना कि हमारा जो पेंस का एडवर्टाइजिंग का स्टैंड है उसको सबसे आगे रखें। आप अपने मेंटल माइंडसेट से भी अगर पूछेंगे कि अगर किसी स्टेशनरी शॉप पे आप जाते हैं या फिर किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं, जो सामान आपको सबसे ज़्यादा टेबल के सामने दिखता है काउंटर पे वो हॉट सेलिंग चीज़ें होती हैं और उसका एक रीज़न होता है कि उनको एक स्पेशल प्राइजिंग भी मिलती है रिटेलर से अपनी कंपनी के थ्रू। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम कंपनी का सेल्स रेवेन्यू भी बन सकता है अगर आप किसी कस्टमर के मेंटल माइंडसेट में घुस जाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर स्टेशनरी की शॉप पे आया है तो वो आपका पेन ज़रूर खरीदेगा, लेकिन उसके सामने अगर एक वेल एडवर्टाइज्ड वे में आपका डिस्पेंसर पड़ा होगा जिसमें आपका एक पेन पड़ा होगा तो वहाँ पे एक सेल्स आप पुश और पुल तरीके से भी अपनी कर सकती हैं इस सेक्टर के अंदर। इंडिया की मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके बैठेंगे कि ये चीज़ उस कंट्री में चलती है तो यहाँ पे भी चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको हर कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट को समझने का भी आपको स्किल सेट चाहिए। यहाँ पे भी कंपनी ने क्लियर कर दिया कि उनका एग्रेसिव सेल्स की वजह से उनका जो पेंटोनिक ब्रांड है उस पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स की इंक्रीमेंट दिखाई दी है। अब आप पूछेंगे कि कंपनी का इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर फोकस क्यों है,
कंपनी का इन हाउस ब्रांड होने के वजह से कंपनी को सबसे ज्यादा इसके अंदर मार्जिन दिखाई देता है। और अपनी घर की खेती अगर आपके पास हो तो आपको उसको ही प्रमोट करने का ज्यादा मन करेगा जहां पे आपका सबसे ज्यादा मार्जिन बनता है। तो कंपनी ये कहती है कि उनका की फोकस रहता है इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने का, जिससे कि उनका सबसे ज्यादा मार्जिन बने एक अपनी कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज के अंदर। ये बात भी पता चल गई कि अगर आपके पास दो तीन प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए और सबसे ज़्यादा जिसमें मार्जिन आपका बनता है तो उस पे ही कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस रहना चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन सेल्स की। फिलहाल कंपनी ने ये बोला है कि 3% ही कंपनी की ऑनलाइन सेल्स है जिसको वो इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप्स करके। इतना पता चल गया कि स्टेशनरी मार्केट के अंदर अभी बहुत बड़ा गैप है ऑनलाइन सेल्स का और ट्रेडिशनल सेल्स के कंपैरिजन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है केनिया जैसी कंट्री के अंदर। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रही और एक्सपोर्ट करे जहां पे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मैनेजमेंट ने इसका क्लियर आंसर दिया कि अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन इंपोर्ट बैरियर्स होने की वजह से इस मार्केट के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से, जिसकी वजह से उनको ये डिमांड कैप तो पता चल गया कि अफ्रीका में है, इसलिए उन्होंने वहां पे जाके एक एक्विजिशन भी किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस एक्विजिशन से कंपनी को फायदा होगा या नहीं होगा। उन्होंने इस चीज का आंसर दिया कि अगर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लिंक अपना 40% का ग्रॉस मार्जिन करती है तो सीधा एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर उनका ग्रॉस मार्जिन 4 से 5% बढ़ जाता है। आपको ये पता चल गया कि अगर आप इंडिया में 100 रुपये कमा रहे थे तो आप एक्सपोर्ट सेम चीज अगर मार्केट में सेल करें तो आपका 104-105 रुपये बनेगा। 5% की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ होती है इतने बड़े लेवल पे। ये चीजें समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट आज से 1-2 साल का टाइम पीरियड जो बना रही है उसमें काम क्या कर रही है, और ऐसे बड़े काम करके ही एक बड़ी कंपनी खड़ी होती है। पेंटोनिक ब्रांड कंपनी का इतना बढ़िया चल रहा है कि जिस पे कंपनी ने अपनी प्राइसिंग सही रख के लोगों को एक एस्पिरेशनल वैल्यू देने की कोशिश करी है ब्रांड के अंदर, कि कोई भी बच्चा आज की डेट में अगर स्टेशनरी खरीदने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ या वो खुद, तो अगर वो स्टेशनरी की शॉप पे वो पेन देखेगा उसके मेंटल माइंडसेट में आप घुस के एडवर्टाइजिंग करके उनको एक ऐसा अवेयरनेस कर सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट इस पेन की ज़रूर बन जाए। ये चीज़ें समझने से ही आपको धंधा समझ आता है, स्टॉक प्राइस से घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे केसेस में। थैंक यू।